हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर स्टिक जीएनटी। तो गाइस, आज मेरे पास है रेडमी नोट 5 का फ़ोन और इसमें आ चुकी है न्यू i10 ग्लोबल स्टेबल अपडेट। तो इसमें मैं आपको सुबह वीडियो गई होगी गाइस कि आपको डाउनलोड करके रखना है। यहाँ पर मैंने डाउनलोड करके रख दिया, तो मैंने आपको बताया था कि मैं इसका फुल चेंज लॉक देने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को देखते रहते हैं और वीडियो को फुल चेंज लॉक देखते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास रेडमी नोट 5 और इसमें आ चुकी है, देखते हैं सिस्टम अपडेट में जाकर तो MIUI 10 स्टेबल 10.0.2.0। और मैं इसका सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग को देने वाला हूँ, तो आप वीडियो को देखते रहिएगा आज किस तरह से इसमें सारी सारी मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं जो कि सिक्योरिटी पैच लेवल वही सेम है, इसमें कोई अपडेटिंग नहीं है सिक्योरिटी पैच लेवल में आपकी। और ये थी, चलिए हम देखते हैं आगे। और सबसे पहले देखें सेटिंग में जाकर, तो ये सिस्टम अपडेटर का है वो सेकंड पर आ गया जो कि नीचे रहता था। अब MIUI 10 में आएंगे तो आपको ये ऊपर मिल जाएगा गाइस ये। और इधर देखते हैं तो वोल्टी का जो साइन आपको दिख रहा होगा, वोल्टी का साइन दिख रहा होगा वो चेंज हो चुका है। देखें यहाँ पर वोल्टी का साइन चेंज हो चुका है और जो गूगल का जो आइकन दिख रहा है ये ऊपर में बना हुआ है, ये भी चेंज हो चुका है जो कि एंड्रॉयड पिक्सल की तरह आ चुका है। और यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन आइकन है जो कि बार है, जो कि सारा चीज़ इसमें चेंज हो चुका है। और ब्राइटनेस भी आप देख सकते हैं, ये तो ये चेंज हो चुका है। तो और ये देखते हैं, ये ऊपर क्लॉक में चलते हैं तो आपको कुछ नेचर साउंड मिलते हैं जैसा कि MIUI 10 में आते हैं। तो ये थी नेचर साउंड, देखिए यहाँ पे ये थी नेचर साउंड। यहाँ पर सवार नाइट सारी नाइट जो जो है नेचर साउंड्स वो मिल जाएगी आपको यहाँ पे, ये थी इसकी। और चलते हैं नेक्स्ट जो सिक्योरिटी है, तो वहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर कुछ आया है न्यू या फिर नहीं। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा आज न्यू, क्योंकि सारा चीज़ वही है सेम टू सेम। तो चलिए इसमें तो कुछ नहीं आया है, तो सिर्फ नेक्स्ट करते हैं। तो इसका जो फेस अनलॉक है गाइज वो काफ़ी पहले से फास्ट हो चुका है, देखिए यहाँ पे तुरंत खुल गया गाइज। और ये फिंगरप्रिंट है गाइज वो भी काफ़ी पहले से फास्ट हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे जो कि ये भी काफ़ी पहले से फास्ट हो चुका है MIUI 10 में। और इसका बैक पोर्ट्रेट मोड जो कि अभी तक आपको नहीं मिला है गाइज, यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर आपको बैक पोर्ट्रेट मोड अभी तक नहीं मिलेगा। कहीं पे देख लीजिए आपको बैक पोर्ट्रेट मोड नहीं मिला है, और जो कि आगे वाला कैमरा है उसमें आपको पोर्ट्रेट मोड मिल चुके हैं। जब आप MIUI 10 इंस्टॉल करेंगे तो आपको एक नीचे से आइकन दिखेगा जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं स्वाइप करने पर आपको गूगल ओपन हो सकते हैं, हो जाते हैं गाइज। ये थी, ये इसमें न्यू मिलेगी गाइज। गाइज आपको इसका गाइज आप लोगों को कॉल स्क्रीन जो है आप कॉल करते हैं किसी के साथ तो वो भी काफ़ी चेंज मिलेगा। और जो कि नोटिफिकेशन मैसेज या फिर कॉल करते हैं तो आप यूज़ करेंगे तो भी काफ़ी चेंज मिलेगा। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो आप मेरे दूसरे वीडियो में देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने इसकी दिए लिंक, तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं गाइस। तो यहां पर देखते हैं वॉलपेपर की ओर चलते हैं, तो वॉलपेपर में तो कुछ खास नहीं है गाइस, यहां पर सिर्फ एक लाइव वॉलपेपर है जो कि आया है जो कि अभी काम नहीं कर रहा है। और यहां पर ये फुल स्क्रीन डिस्प्ले है जो कि अभी काफ़ी अच्छा से स्मूथ से रन कर रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं ये अच्छे से काम कर रहा है। और यहाँ पर एक आती है गाइस साउंड एंड वाइब्रेशन, तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं डिफॉल्ट नोटिफिकेशन साउंड में कुछ इस तरह के एक नेचर साउंड मिलते हैं यहाँ पर देखिए। और ये जब आप MIUI 10 को इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये साउंड मिलेंगे ये वाली, तो ये देखिए यहाँ पर एक नेचर साउंड आ चुका है जो कि काफ़ी अच्छा है। तो ये थी, और देखिए यहाँ पर तो आपको दो साउंड यहाँ पर और मिल जाते हैं जो कि स्क्रीन शॉट साउंड है और डिलीट साउंड है, जो कि आप इससे स्क्रीन शॉट लेते हैं ये साउंड होते हैं, और डिलीट साउंड जो कि आप किसी फोटो या फिर ऐप को इंस्टॉल करते हैं वो होती है डिलीट साउंड इसकी। तो फ्रेंड यहाँ पर चलते हैं हम अपने थीम्स की ओर। यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं एक और ऐप लॉक है, उसमें आप अभी तक आपको हाइड ऐप्स का ऑप्शन मिला है या फिर नहीं मिला है। तो यहाँ पर चलते हैं सेटिंग में और यहाँ पर देखते हैं कहीं पर भी आपको हाइड ऐप्स का ऑप्शन नहीं मिला है या फिर आगे आने वाले ऐप को अपडेट में मिल जाएगी हाइड ऐप्स का ऑप्शन। तो ये भी देखते हैं, इंतजार करते हैं इसका कब तक आती है ये हाइड ऐप्स वाली ऑप्शन। ट्रेडिशनल सेटिंग में ये इंटरप्राइज मोड है गाइस, ये क्या है पता नहीं,
जब पता होगी तो मैं आपको एक स्पेशल वीडियो इसके बारे में बना के बता दूंगा। और यहाँ पर चलते हैं गाइस थीम्स की, और देखते हैं यहाँ पर जो कि आई है एक थीम्स, ये देखते हैं ये सारी थीम्स में ये थी। आपको सबसे बड़ी बात गाइस क्या, अगर आपको इसमें एडवर्टाइजमेंट कुछ शो होती है ये सब में ये MIUI के ऐप में, तो आप यहाँ पर जाके सेटिंग में जाकर यहाँ पर शो एडवर्टाइजमेंट को ऑफ कर सकते हैं। इससे काफ़ी आपको ये प्रॉब्लम है जो नहीं होगी यहाँ पर शो एडवर्टाइजमेंट को ऑफ करने के बाद गाइस। ये थी इसकी अच्छी बात। चलिए और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं गाइस जो कि इसकी रिसेंट सेफ है जो कि यहाँ पर करते हैं हम, तो ये देखिए ये पहले की जैसे आती थी वैसे MIUI 10 में, ये अगर आपने यूज किया होगा तो ये पहले अच्छी लग रही है, पहले के मुताबिक बहुत अच्छी। MIUI 9 में ऐसे आपको नहीं आती थी, MIUI 9 में ऐसे आपको एक एक करके इधर से स्वाइप होती थी, अब ये देखिए काफ़ी अच्छी लग रही है पहले से गाइस, ये अच्छी बात है। और यहाँ पर आपको फ़ोन है जो कि काफ़ी स्मूथ हो चुका है गाइस, देखिए यहाँ पर ये अच्छी लग रही है गाइस, काफ़ी फ़ोन स्मूथ हो चुका है इसमें। इसमें एक बात और है गाइस, जैसे कि आपने MIUI 10 को इंस्टॉल करेंगे तो आपको ऊपर में एक नोटिफिकेशन आएगा जो कि फेस के बारे में आएगा, फेस अनलॉक एल्गोरिथम अपडेटेड, तो आपको यहाँ पर दोबारा फेस अनलॉक है जो कि सेट करना पड़ेगा गाइस। यहाँ पर जाके चलते हैं सिक्योरिटी में, लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड में आप देखते हैं, तो यहाँ पर ऐड फेस डाटा यहाँ पर था तो हम इसे करते हैं क्लिक। यहाँ पर देखिए आपको फेस डाटा फेस लॉक कैसे सेट करना है, तो हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं अपने, देखिए यहाँ पर आ चुके हैं फेस डाटा का ऑप्शन, तो यहाँ पर देखते हैं किस तरह से शो होते हैं। यहाँ पर आपको नेक्स्ट नीचे मिलेंगे, कुछ सेकंड होंगे उसके बाद आपको नेक्स्ट मिलेंगे, तो आपको फेस को ऑन करके करना है गाइस। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड यहाँ पर हम अपना फेस लॉक फेस डाटा ऐड कर चुके हैं, यहाँ पर डन कर लेते हैं। अब उसके बाद देखते हैं कि ये कैसे काम करती है फेस डाटा, तो हम इसे ऑफ करते हैं, इसके बाद ऑन करते हैं, देखते हैं यहाँ पर। जैसे कि पहले MIUI 9 में आपको अपडेट आई थी 9.6.5.0 की, तो वहाँ पर एक ऑप्शन मिला था यहाँ पर जो कि फेस आता था, तो एक किसी का फेस जैसा चित्र बन जाता था, इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पर देखते हैं जैसे कि यहाँ पर कुछ आता था MIUI 9 में, तो यहाँ पर 10 में कुछ नहीं आता है गाइस। देखते हैं फेस लॉक के बारे में, देखिए पहले हम इसे बंद कर देते हैं, देखिए स्वाइप करते हुए ये काफ़ी अच्छी बात लगा, देखिए हम कुछ समय लेते हैं स्वाइप करने के बाद, लेकिन ये अच्छी खुल रही है MIUI 9 में, MIUI 9 से इससे ज़्यादा फास्ट हो चुकी है गाइस। ये थी इसकी सारी जिसका बेसिक फंक्शन है MIUI 10 में, जो कि बेसिक चेंजेस है इसका सारी मैंने आपको बता दिया। अगर कुछ और है तो गाइस मैं आपको बता दूंगा किसी और वीडियो में, अगर मुझे पता चला उसके बारे में, तो गाइस इसके लिए इतना ही। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।